कहते हैं ना, सबके दिन फिरते हैं और सबको ऊपर वाला एक मौका जरूर देता है, और यही मौका भारत को मिल गया है। भारत का एक फैसला अमेरिका को बर्बाद कर सकता है। जहां एक तरफ भारत के हाथ ये फैसला लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार अफ्रीका और अरब जनजातियों से मिक्स ये देश तो बुरी तरीके से दो दिनों से लड़ रहा है। सूडान में आखिरकार ऐसी भयानक स्थिति क्यों हो गई है कि सड़कों पर इधर उधर लाशें दिख रही हैं, घर जले हुए दिख रहे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देख रहे हैं आप देश, ये सूडान है। सूडान वैसे तो इस इलाके के ज्यादातर देशों की यही कहानी है कि इनके पास खजाना भरा हुआ है, लेकिन इस खजाने को निकालने की बजाय ये आपस में लड़ते रहते हैं और एक दूसरे के लिए तबाही बुलाते रहते हैं। सूडान वो देश है जहां जमीन में खनिज पदार्थ भरे हुए हैं, तेल गैस का भंडार भरा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ यहां समस्या भी भरी हुई है। सूडान जो अरब से भी लगता है और अफ्रीका से भी लगता है, ऐसे में यहां जो ज्यादातर लोग पाए जाते हैं वो अरब मूल के पाए जाते हैं और यहां की भाषा भी अरबी है। यहां पिछले दो दिनों से बहुत भयानक लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में जहां तहां इस वक्त लाशें पड़ी हुई दिख रही हैं, लोगों के घर जले हुए हैं, करीब 7,000 से ज्यादा लोग भाग चुके हैं और भी बहुत ज्यादा विस्थापित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेना या पुलिस उस स्थल तक पहुंच भी नहीं रही है जहां पर यह हिंसा हो रहा है, इन लोगों को बचाने के लिए या रोकने के लिए। सूडानी सरकार ने हालांकि लगा दिया है कर्फ्यू, लेकिन इस कर्फ्यू का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। दरअसल दो दिन से सूडान के दक्षिण में आदिवासियों के बीच अचानक से संघर्ष शुरू हो गया और माना जा रहा है कि ये संघर्ष अब तक के संघर्ष में सबसे ज्यादा था। एक तो पहले ही अशांति इस देश में फैली हुई है और इस अफ्रीकी देश में अब और भी ज्यादा अशांति फैल रही है। करीब 220 लोगों के मौत के आंकड़े तो सरकारी आंकड़े दिए जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे भी बड़ा आंकड़ा देखने को मिलेगा यहाँ पर। वैसे आपको बता दें, समस्याएं यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। सरकार ने यहाँ पर इंटरनेट बैन लगा दिया क्योंकि वीडियो फुटेज निकल कर सामने आने लगी। जैसे ही सरकार ने बैन लगाया, वैसे ही कई तरह के एनजीओ उठकर मांग करने लगे कि आप इंटरनेट एक्सेस दो, और इसके बाद इन एनजीओ पर भी सूडान सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और इन्हें बैन करना शुरू कर दिया है। वैसे सूडान के और भी कई इलाकों में सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है, इस पर ये प्रदर्शन बहुत ही भयानक स्थिति में जा रहे हैं। वैसे सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर ये लड़ाइयां दोनों ग्रुप में क्यों हो रही है, तो आपको बता दें ये लड़ाई हो रही है जमीन विवाद के कारण, और जमीन विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दो दिनों तक ये एक दूसरे को मारते ही रहे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के हाथ लग गया है वो शक्ति जिससे अमेरिका तबाह हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। अभी हमने देखा कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट के देश, खास तौर पर सऊदी अरब, ओमान अब भारत के साथ गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं। भारत इन देशों को गैस सप्लाई करेगा और इन देशों से भी भारत को गैस सप्लाई होगा, मतलब ऊर्जा के नए साधन बन रहे हैं। सऊदी अरब और भारत के बीच ये पार्टनरशिप धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इसका परिणाम ये देखिए कि सऊदी अरब अगले महीने यात्रा पर आ रहा है भारत के, और ये यात्रा सऊदी अरब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा में कई ऐसे मकसद हैं जो सऊदी अरब पूरा करना चाहता है। वैसे आपको बता दें, सऊदी अरब की ये यात्रा भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए है, लेकिन भारत आने के पीछे जो कारण है वो एक नहीं बल्कि कई कारण है। एक तो जिस प्रोजेक्ट की बात करी हमने, वो प्रोजेक्ट भारत और सऊदी अरब इस मुलाकात में साइन करेंगे, और दूसरी बड़ी बात ये है कि अमेरिका से इस वक्त सऊदी अरब के रिश्ते बहुत ज्यादा खट्टे चल रहे हैं और अमेरिका एकदम
एकदम से तन गया है कि सऊदी अरब को अब मदद नहीं देगा। रिश्ते इतने ज्यादा खट्टे हो गए हैं कि दोनों देश अब एक दूसरे के खिलाफ जाकर काम करना शुरू कर चुके हैं। जहां अमेरिका ने सऊदी अरब को ये कह दिया है कि हम आपको हथियार नहीं देंगे, हम आप सेना निकाल सकते हैं, तो वहीं सऊदी अरब ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो दाव खेला है वो दाव बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सऊदी अरब इस वक्त चाह रहा है कि सबसे पहले डॉलर का वर्चस्व खत्म करो। डॉलर का वर्चस्व बढ़ाने में सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देशों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। सबसे बड़ी भूमिका सऊदी अरब ने निभाई थी। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब को मनाया था और सऊदी अरब को मनाकर डॉलर में व्यापार करने के लिए मजबूर कर दिया था कि तेल खरीदो तो डॉलर में खरीदो। अगर उस वक्त सऊदी अरब डॉलर को ये मदद नहीं देता तो शायद दुनिया में इस वक्त कोई और ही करेंसी होती। लेकिन डॉलर जब एक बार मजबूत हो गया और दुनिया भर के चलन में आ गया, तब अमेरिका अपनी अकड़ पर आ गया। अब सऊदी अरब चाहता है कि वो समय की सुई एक बार फिर से घूमे, और इस बार इस तरीके से घूमे कि अमेरिका पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। और ऐसा करने के लिए सऊदी अरब के साथ कई देश हैं जो पहले से तैयार हैं, और कहीं न कहीं इसमें गलती अमेरिका की भी है। अमेरिका अपने डॉलर के धौंस के बल पर बहुत सारी चीजें मनवाने की कोशिश कर रहा है, और ये चीज दुनिया के देशों को पता चल रही है। अब ऐसे में जहां सऊदी अरब ने एक बड़ी बात कही कि हम ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं और इसको लेकर काफी आक्रामक रवैया भी बता रहे हैं। वैसे आपको बता दें, ब्रिक्स में तो 5 मेजर इकोनॉमी है दुनिया की, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन अब इसमें घुसना चाह रहा है सऊदी अरब भी। तुर्की ने भी ब्रिक्स में शामिल होने की बात कही है। अब इस चीज को लेकर सबसे बड़ी टेंशन अमेरिका को इस बात को लेकर हो गई है कि कहीं अब यहाँ डॉलर न चलकर दूसरी करेंसी न चले, क्योंकि पिछले कई मीटिंग्स में ये बातें हो रही हैं कि हम डॉलर नहीं बल्कि ब्रिक्स की जो अपनी रिजर्व करेंसी होगी उस रिजर्व करेंसी का इस्तेमाल करेंगे, और सऊदी अरब भी इस रिजर्व करेंसी का इस्तेमाल करना चाहता है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि ब्रिक्स का अपना एक बैंक है और इस बैंक में पहले से ही 50 से ज्यादा देश जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये देश अगर तय करते हैं कि हम आपस में व्यापार अपनी करेंसी में करेंगे या ब्रिक्स की करेंसी में करेंगे, तो ये अमेरिका के लिए झटका होगा। अमेरिका के लिए एक नहीं बल्कि बहुत बड़ा झटका होगा। बात है कि भारत के हाथ में वो चाबी है। ब्रिक्स में सऊदी अरब शामिल होना चाहता है, ये बात तो सही है, लेकिन ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर में भारत भी आता है, और जब तक ये पांचों देश मिलकर हाँ नहीं कहते हैं कि हाँ इस देश को एंट्री दिला दो, तब तक ब्रिक्स में एंट्री नहीं हो सकती है सऊदी अरब की भी और तुर्की की। वैसे सऊदी अरब और भारत के बायलेटरल और ट्रेड वगैरह सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा है। ऐसे में सऊदी अरब की ये मुलाकात भी मायने कर रही है, तो जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि भारत सऊदी का रास्ता रोकेगा नहीं, और ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सऊदी को ब्रिक्स में एंट्री करने देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।